2021 जिसमें हमें OTT प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जहां हमने अलग अलग तरीके की स्टोरी लाइन डिस्कवर की जो कि कमर्शियल मूवीज की रेस में गायब हो जाती है। ट्रस्ट मी और नॉट, बट OTT प्लेटफॉर्म ने उन सारे लूप होल्स को ढूंढा और उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करा है हमें वो स्टोरी डिलीवर करके जो कि हम डिजर्व करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 5 मूवीज जो कि 2021 में OTT पे आग लगा चुकी हैं। स्टार्टिंग विद टॉप 5 तूफान। फरहान अख्तर अपनी हर फिल्म के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट और साथ ही खुद की परफॉर्मेंस को प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। तूफान की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसमें हमें अंडरडॉग अजीज बॉक्सर बनते हुए दिखता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना उसकी रियल लाइफ में पंगे हैं। खैर, उसको आप डिस्कवर करिएगा मूवी देख के, जो कि अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। टॉप 4 मीनाक्षी सुंदरेश्वर। बॉलीवुड में लव बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है, एंड आई नो कि आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि हीरो लड़की को पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, बस वही स्क्रिप्ट है। और हमें शोकेस किया गया है प्योरिटी के साथ शिव और पार्वती का लव, अगर वो लोग मॉडर्न टाइम में होते तो। और हाँ, मूवी देखने की एक और वजह बता दूं कि इसमें रजनीकांत फैंस के लिए एक ट्विस्ट छुपा हुआ है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। टॉप 3 छोरी। छोरी के स्टोरी प्लॉट के बारे में मैं सच में आपको कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि आई थिंक अगर मैंने कुछ बताया तो स्पॉइलर दे दूंगा। मूवी ने हॉरर जॉनर की इज्जत रखी है जो कि हमारे देश में बिल्कुल रखी नहीं जाती, और हमें कुछ बढ़िया हॉरिफिक स्केयर्स दी हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं। और ऊपर से नुसरत की परफॉर्मेंस मतलब आउटस्टैंडिंग थी। वो छोरी को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। टॉप 2 द व्हाइट टाइगर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द स्टार कास्ट नेम। प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार एंड गौरव आदर्श, ये तीनों ने जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिया है उसकी वजह से द व्हाइट टाइगर 93rd एकेडमी अवार्ड्स में भी पहुंच गया था। मूवी में हमें मेनली ये देखने को मिलता है कि एक छोटा इंसान जो कि निचले तबके से आता है, अगर उसकी सटक जाए तो वो दुनिया की कैसे सटका सकता है। मूवी बहुत ही इमोशनल ग्राउंड पे जाके हिट करती है, इसके डायलॉग्स काफी ज्यादा रिच है। द व्हाइट टाइगर नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। टॉप 1 शेरशाह। कारगिल के बारे में तो हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन बात करें उसके पीछे के हीरो लेट कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो उनके बारे में कुछ ही लोग वाकिफ हैं। बस उसी इंडियन हीरो उर्फ परमवीर चक्र अवार्डी लेट सोल्जर कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर है मूवी शेरशाह। साल 2021 की मोस्ट व्यूज मूवीज की लिस्ट में से भी एक है। यहाँ तक की IMDb की रेटिंग्स की बात करें तो इसको हाईली अप्रिशिएट भी किया गया है। खैर, जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन 5 मूवीज में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी।